नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम चर्चा करने वाले टी राजा सिंह जी के विषय में बात करेंगे, उनके द्वारा दिए गए बयान के विषय में, और बात करेंगे किस प्रकार से उनके खिलाफ सरतन से जुदा करने के नारे लगातार लग रहे हैं, किस प्रकार से RSS के लोगों का सरतन से जुदा करने का गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं, किस प्रकार से OVC के दबाव में आकर के वहां की स्थानीय पुलिस ने इन लोगों को रिहा किया है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे आज जीतू भैया के विषय में भी कि जीतू भैया ने किस प्रकार से आखिरकार हिंदुओं के साथ में स्टैप बैक कहिए, धोखा कहिए, या फिर कहिए कि कोई चाणक्य नीति खेली जा रही है, इस प्रकार की भी चर्चाएं हम आज की वीडियो में रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1770 नाम के जो वंदे मातरम पर आधारित फिल्म आने वाली है, जिसकी पूरी डायरेक्शन टीम और राइटर टीम जो है वो बाहुबली वाली है, यह आनंद मठ पर आधारित है। आनंद मठ पुस्तक अभी तलक सैकड़ों की तादाद में जा चुकी हैं और यह पुस्तक लगातार डिमांड में है। आप लोग भी इस पुस्तक को जल्द से जल्द खरीद सकते हैं, सनातन हाट पर इसका लिंक हमने दे दिया है। दूसरी बड़ी चीज़ कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि दर्शन शास्त्र की परंपरा में भौतिक विज्ञान नाम की पुस्तक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये पुस्तक भी आ चुकी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। और कर्म और कर्मफल मीमांसा, यानी कि अगर आपने कर्मफल सिद्धांत को सिद्ध कर दिया तो फिर आपके सामने कोई भी चुस्ती, कोई भी जिहादी या कोई भी ईसाई या कोई भी कसाई अड़ ही नहीं सकता है। ये पुस्तकें महत्वपूर्ण है, आपको खरीदनी चाहिए। अब सबसे पहले उन बयानों को देख लेते हैं जो भीड़ में सर तन से जुदा करने के लग रहे हैं। वैसे तो मैं सारे वीडियोज जो हैं वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना भेजता ही हूं, और वहां से आप इनको डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पर रोजाना पोस्ट भी अवश्य किया करें। अब इस वीडियो में आप खुलेआम देख सकते हैं किस प्रकार से एक टोपीबाज व्यक्ति RSS वालों को मार डालने की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है RSS वालों को मार डालो सालों को, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार से आप उनको जिवाह कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। RSS वालों की गलती क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसने कि मुनव्वर फारूकी का विरोध किया। मुनव्वर फारूकी वो व्यक्ति है जिसने कि गोधरा में उन 60 हिंदुओं के मारे जाने का मजाक बनाया, जिसने की माता सीता का मजाक बनाया, जिसने की हिंदुओं का मजाक बनाया, जिसने भगवान श्री राम का मजाक बनाया, और जिसने मदरसा को खूब प्रेज किया। इसके ऊपर मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं, अब बार बार नहीं बताऊंगा। इसका यह कार्यक्रम करवाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने 1000 लोगों की फोर्स उसके लिए भेजी थी, जिसका विरोध की वहां पर उस समय पर टी राजा सिंह कर रहे थे। उन्होंने इसी बात का जिक्र करते करते कहा कि इस्लाम किस प्रकार से लगातार आदमखोर बनता जा रहा है, और जिसकी सीख 1400 साल पुरानी है, और कैप्टन मोमो साहब इस सब सीख को देकर जा चुके हैं। कैप्टन मोमो साहब का नाम सुनते ही टोपीबाज समाज, मदरसा छाप समाज जो है वो आग बबूला हो गया, सड़कों पर उतर गया, जान से मारने की धमकी, सरतन से जुदा करने की धमकियां देने लग गया। तभी से हमारे जीतू भैया ने आकर के सबसे पहला फैसला ये लिया कि टी राजा सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे जीतू भैया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है। जीतू भैया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हर एक चुनाव जीतते हैं, और हर एक चुनाव जीतने के लिए वो कोई ना कोई चाणक्य नीति लगाते हैं। लेकिन जीतू भैया के इस जीतने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भले ही कितने ही काफिरों को लकड़ी की तरह जहन्नम की आग में जलाया जाए वो बर्दाश्त है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैप्टन मोमो साहब के खिलाफ ईश निंदा नहीं कर सकता, ब्लास्फेमी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खुद जीतू भैया कैप्टन मोमो साहब के लिए कई बार बयानबाजी दे चुके हैं। कैप्टन मोमो साहब की प्रशंसा में एक बार हमारे जीतू भैया ने कहा था कि हमें उनसे अमन और शांति का पैगाम सीखना चाहिए। इस्लाम अमन का मजहब है और उससे हमें अमन सीखना चाहिए। और इस्लाम क्या है? वो कैप्टन मोमो साहब की एक क्रिएटिविटी है। अब देखिए, जीतू भैया ने किसी को प्रेज किया है और आप उसको डिफेम कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, तो यह जो आपने एक्सपोज किया है या गलत शब्दों का प्रयोग किया है, यह कैप्टन मोमो साहब के खिलाफ नहीं किया है, यह बेअदबी हमारे जीतू भैया की है। यहां पर जीतू भैया की बेअदबी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसी कारण से जीतू भैया के सम्मान में भाजपा है मैदान में और उन्होंने राजा भैया को निष्कासित कर दिया है। अब राजा भैया का सबसे पहला बयान क्या आया है? उन्होंने कहा है कि हम जीतू भैया एंड टीम या जीतू भैया एंड पार्टी के हमेशा समर्पित रहेंगे, लेकिन हमारा कार्य किसी की पार्टी को बचाना नहीं है, बल्कि हमारा कार्य है अपने धर्म की रक्षा करना, और उसके लिए गर्दन कटाने तक के लिए हम तैयार हैं।
अब उनका तो स्पष्ट संदेश है और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है, बेल भी मिल गई है, लेकिन आप जरा सोचिए कि मैदान में सड़कों पर किस चीज के लिए ये सारा का सारा दंगा और फसाद है। दंगा और फसाद सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि मुनव्वर फारूकी जो एक विवादित तथा कथित कॉमेडियन और एक मीठे शब्दों में कहें कि चाशनी में डूबा हुआ जाकिर नायक का बहरूपिया है, इस व्यक्ति का एक शो कराने के लिए पूरी की पूरी तेलंगाना का जो प्रशासन है वो झोंक दिया जाता है, और इस व्यक्ति ने जिसने कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, उस व्यक्ति को डिफेंड करने समय वहां पर अगर टी राजा सिंह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए विरोध करने लग जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह गुस्सा केवल इस बात का नहीं है कि कैप्टन मोमो साहब के खिलाफ कुछ बात बोल दी गई है, गुस्सा इस बात का है कि मुनव्वर फारूकी के शो को रोका क्यों गया है। अभी एक वीडियो हमारे सामने आया है जिसमें कि एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदुओं के जो गॉडेसेस हैं यानी कि जो पूज्यां हैं उनके खिलाफ गंदी और अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, उसको करने के बाद भी वो खुला घूम रहा है, जिसके बाद में हिंदुओं ने उसके घर जाकर के तोड़फोड़ कर दी। अब ये तोड़फोड़ तो होनी लाजमी थी, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि मुसलमानों में उसके बाद कितना गुस्सा व्याप्त हुआ होगा। कारण ये है कि जिस समय पर फलस्तीन में खड़े होकर के शदीद नाम का एक प्रोफेसर एक डॉक्टर कहता है कि हमें सब यहूदी और हिंदुओं को समाप्त करना है और हमें एक क्रूर और आक्रामक टीम बनानी है ताकि हमारे पूरे विश्व के ऊपर इस्लाम का आधिपत्य स्थापित कर सकें, जिस समय पर एक 19 साल का गिलमा ये बात कहता है कि मुझे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, जिस समय पर एक प्रोफेसर ये बात कहता है कि मैंने अभी तक 1000 लोगों को कन्वर्ट कर लिया है, जिस समय पर एक मौलाना इस बात को स्वीकार करता है, शायद कलीम शायद उसका नाम है, कि हमने अपवित्र हिंदुओं को पवित्र कर दिया है, जिस समय पर एक कन्वर्टेड हिंदू उमर गौतम सैकड़ों मूक बधिरों को कन्वर्ट करके उनको फिदाइन बम हमला करने के लिए तैयार कर रहा होता है, जिस समय पर दो लोग 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके होते हैं, जिस समय पर वो सोशल मीडिया पर हर जगह पर दुर्गा हो, काली हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, सबके अश्लील फोटो बना करके पेस्ट कर रहे हो और किसी ने भी उनका विरोध ना किया हो, जबकि पिछले 50 साल से लगातार बॉलीवुड के अंदर अंधे और नंगे तरीके से हिंदुओं को और उनकी आस्थाओं को अभद्र तरीके से खंडित किया जा रहा हो, जबकि पूरे भारत के अंदर हलाला और हवाला का धंधा चल रहा हो, जिस समय पर आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचाने के लिए स्लीपर सेल्स लगे हुए हों और कहीं पर भी बम धमाका कर चुके हों, वो लोग जो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद करते हों कहीं पर भी काट वाट करके फेंक देते हों और कोई भी आवाज नहीं उठाता हो, जिस समय पर खादिम लोग सैकड़ों बहन बेटियों के साथ में और उन बहन बेटियों के साथ में जो कि कमिश्नर और आईएएस की बेटियां हैं लगातार दुष्कर्म करते रहते हों और उनको ब्लैकमेल करके भी वापस जिंदा बच जाते हों और उनकी दरगाह के ऊपर आंस तक ना आती हो, वो लोग जिन्होंने की खुद को 800 साल राज किया है 800 साल राज किया है कहते कहते टायर पंचर की दुकान से बड़े बड़े वो कबाड़ियों के अपने तकड़े असेट्स बना चुके हों, वो लोग जो बांग्लादेशियों म्यांमार वासियों को भारत में बसा करके यहाँ की नागरिकता दिला चुके हों, जब उनके खिलाफ कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा वो जो कहेगा कि कैप्टन मोमो ने अभी तक तकरीबन 100 करोड़ लोगों की जान लील ली है तो उनके अंदर का विद्रोह तो प्रस्फुटित होगा ही। मैं कह रहा हूं कि ये टी राजा सिंह के कैप्टन मोमो के खिलाफ बोले गए शब्दों के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये उनके खिलाफ कोई जहर नहीं उगली जा रही है बल्कि एक जो सिंडिकेट चल रहा था जिसको कि मैंने अभी तक आपको गिनवाया, यह जो सिंडिकेट चल रहा था उसके खिलाफ खड़े होने वाला एक एक बच्चा सामने आ रहा है, लड़ने के लिए तैयार है, मुखर होकर के बोल रहा है और सत्य सनातन की भाषा में इन मोमिनो मदरसा छापो इन गिलमाओं को और इन हूरों को जवाब दे रहा है। तड़प इस बात की है कि जाकिर नायक भारत में प्रवेश नहीं कर सकता, तड़प इस बात की है कि उनके कॉमेडियंस अब हमारा मजाक नहीं बना सकते और उनके प्रोपेगेंडादारी फिल्में अब सिनेमा हॉल्स में नहीं चलती हैं। ये सारी की सारी जो भड़स है, ये जो भड़ास है या जो भड़क है, इसको निकालने के लिए, आगजनी करने के लिए, सरतन से जुदा करने के लिए आरएसएस वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और ओवैसी जैसे लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, पुलिस पर दबाव बना करके उनको बचा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमारे जीतू भैया क्या कर रहे हैं। हमारे जीतू भैया खुद की ब्लास्फेमी के खिलाफ खड़े हैं और वो अपने लोगों को निष्कासित करने में लगे पड़े हैं, जबकि वो लोग जान से मारने की धमकी देने के बाद भी जेल से बाहर हैं।
अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि धर्म पहले है या पार्टी पहले है, दल पहले है, क्या पहले है, विचार आपको करना पड़ेगा। हम टी राजा सिंह के साथ में है या जीतू भैया के साथ में है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि सनातन सेतु और सनातन हार्ट आपके अपने प्लेटफॉर्म है, सत्य सनातन आपका अपना मंच है, इसको सपोर्ट करते रहिए और सत्य की आवाज को इसी प्रकार बुलंद करने के लिए हमारा साथ बने रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, उसके सबके साथ में शेयर वशेयर करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।